चलिए, एमपी जी की डिस्ट्रिक्ट श्रृंखला के अंतर्गत आज हम देखते हैं इंदौर जिला। अभी तक हम जिन संभाग की बात कर रहे थे वो चंबल संभाग और ग्वालियर थे। अब हम आ जाते हैं इंदौर संभाग पर। तो इंदौर संभाग की बात करें तो कई महत्वपूर्ण तथ्य इसके अंतर्गत हैं। हम पहले इसके मैप को देख लेते हैं। तो इंदौर संभाग की यदि बात करें तो ये मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 8 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो उन 8 जिलों में कौन कौन से हैं, यहाँ पर मैप पे बहुत आसानी से समझ लेते हैं इस चीज़ को। तो इंदौर से लगा हुआ धार इसका जिला है, संभागी जिला। झाबुआ, अलीराजपुर, बरवानी, जो है कि खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, ये जो है कि, और एक खुद इंदौर। तो इस प्रकार के चार और ये चार इधर के, यानी 8 जिले जो है कि इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। और इंदौर संभाग में भी जैसे चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग में सीमावर्ती जिले थे, इसी प्रकार इसमें भी सीमावर्ती जिले हैं, जिनमें 2 जिले तो गुजरात से मिलते हैं, उनमें है झाबुआ और अलीराजपुर। झाबुआ ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी कुछ सीमाएँ राजस्थान से मिलती है, कुछ गुजरात से मिलती है। इधर अलीराजपुर की बात करें तो इसमें भी ऐसा ही है, कुछ महाराष्ट्र से मिलता है, कुछ गुजरात से मिलता है। तो सबसे जो कम सीमावर्ती है, क्षेत्र है, वो गुजरात ही है, जिसकी बहुत कम सीमा मध्य प्रदेश से मिलती है। मध्य प्रदेश की बहुत कम सीमा गुजरात से मिलती है, बाकी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से और छत्तीसगढ़ इनसे अधिक मिलती है, सबसे कम गुजरात से मिलती है। अब हम आ जाते हैं इंदौर के। तो इंदौर के सीमावर्ती जिले हम देख लेते हैं। ये तो हमारे स्टेट सीमावर्ती जिले थे। इंदौर के सीमावर्ती जिलों में उज्जैन है, देवास है, खरगोन है, धार है, इनके बीच में बसा हुआ है इंदौर। इंदौर शहर कई महत्वपूर्ण तथ्यों को लिए हुए है। यदि हम इसकी बात करें तो इसके बारे में कहा जाता है कि इंदौर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और इसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है। इंदौर जिला और इंदौर संभाग दोनों का मुख्यालय भी इंदौर ही है। साथ ही होलकर राज्य की राजधानी रहे इंदौर को पूर्व में इंदर और इंद्रपुर और फिर बाद में इंद्रेश्वर, इस प्रकार से नाम परिवर्तित होकर के बाद में जो कि इसका नाम इंदौर हो गया। इंदौर को अहिल्या नगरी, उद्योग नगरी और कपड़ों का शहर आदि नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ एक और नाम इसका है, वो है प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी। तो व्यावसायिक राजधानी का भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी क्या है, तो हमें फिर वहाँ पर भोपाल नहीं करना है, व्यावसायिक राजधानी में इंदौर है। साथ ही साथ खेलों की राजधानी भी इंदौर को कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है इंदौर का, वो है कि इंदौर पूरे भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर IIM और IIT दोनों ही स्थापित है। बाकी शहरों में दोनों, जहाँ पर कहीं पर IIM है तो कहीं पर IIT है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही एक साथ स्थापित है। मराठा पेशवा बाजीराव फर्स्ट के मालवा पर पूर्ण नियंत्रण ग्रहण करने के पश्चात 18 मई 1724 को इंदौर मराठा साम्राज्य में सम्मिलित हो गया था। तो ये एक महत्वपूर्ण इसका तथ्य है। इसके बाद इसकी बात करें तो भारत का तीसरा सबसे पुराना शेयर बाजार मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज, ये भी इंदौर में है, ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं पूछा जाता है। इसके साथ ही साथ इंदौर देश के 100 स्मार्ट सिटी मिशन में भी चयन हो गया है। देश ही नहीं एशिया का भी प्रथम लेजर अनुसंधान केंद्र, ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि प्रथम लेजर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो वो इंदौर है। इसके साथ ही लता मंगेशकर और अभिनेता सलमान खान दोनों का जन्म स्थान भी इंदौर है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण तथ्य वो है कि भारत के जो संविधान निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका जन्मस्थली जो है वो भी इंदौर के अंतर्गत जिले का महू क्षेत्र है, वो महू में उनका जन्म हुआ था। इंदौर को जो नाम यदि इंदौर पड़ा तो उसका कहीं ना कहीं जो कारण रहा है, वो कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में राजकोट के राजपूत राजा इंद्र तृतीय ने अपनी विजय को यादगार बनाने के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था, एक शिवालय का निर्माण कराया था और उस शिवालय का नाम इंद्रेश्वर रखा गया। और जिस ग्राम में, जिस क्षेत्र में वो था, वो आसपास का क्षेत्र पूरा इंद्रेश्वर कहलाया और बाद में इंद्रपुरी और फिर इंदौर हो गया।
इंदौर के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश वस्त्र निगम और मध्य प्रदेश वित्त निगम, ये तीनों भी स्थित हैं। साथ ही साथ प्रदेश का पहला नर्सिंग पीएचडी शोध केंद्र, प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा तो आकाशवाणी केंद्र, ये तीनों भी यहाँ पर स्थापित है। तो कौन कौन सी चीज़ आ गई, एक तो पीएचडी शोध केंद्र यहाँ पर स्थापित है, आर्थिक क्षेत्र यहाँ पर है, और पहला आकाशवाणी केंद्र भी इंदौर में ही स्थापित किया गया था। इसके साथ ही प्रदेश का एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय भी इंदौर में है। और एक और यहाँ का क्वेश्चन है कि प्रदेश की ऋतु संबंधी आंकड़े बताने वाली संस्था भी जो है कि यहाँ पर स्थापित है, जिसे कहा जाता है वेधशाला, भी यहाँ पर स्थापित है। ये भी कई बार पूछा जाता है। और देश का दूसरा सबसे लंबा राजकीय मार्ग NH3 भी इंदौर से गुजरता है। इसके अलावा NH59 भी इंदौर से गुजरता है। इसके साथ ही इंदौर जिले की महू तहसील में जो है कि उसकी पहाड़ी पर, सात पहाड़ी पर विश्व का पहला क्लॉक टेम्पल यानी घड़ी का मंदिर बनाया जा रहा है। और यहाँ का जो हवाई अड्डा है, उस हवाई अड्डे को अहिल्या बाई के नाम से जाना जाता है, और उनकी 206वीं पुण्यतिथि का अवसर पर हवाई अड्डे का नाम अहिल्या बाई हवाई अड्डा रखा गया था, होलकर हवाई अड्डा रखा गया था। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थापित है, तो फिर आपको बताना होगा, ध्यान रखना होगा, वो है इंदौर में। अब हम इसके अन्य तथ्य की बात कर लेते हैं, इसकी जनसंख्या की बात कर लें, क्षेत्र की बात कर लें। तो क्षेत्रफल है इसका 3,898 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है इंदौर। जनसंख्या की बात करें तो 32,76,697 यहाँ की जनसंख्या है। लिंगानुपात की बात करें तो 928 यहाँ का लिंगानुपात है, प्रति पुरुष एक प्रति 1,000 पुरुष पर। ये आंकड़े हैं 2011 की जनसंख्या के अनुसार। साक्षरता की बात करें तो 80.9% यहाँ का साक्षरता है, जिसमें पुरुष साक्षरता है 83.3%, महिला साक्षरता है 74%। नगरीय निकाय की बात करें तो नगरीय निकाय यहाँ का है 74.1, और ग्रामीण क्षेत्र या ग्रामीण निकाय है यहाँ का 25.9। तहसील की बात करें तो इंदौर, महू, सांवेर, देपालपुर और हातोद, ये प्रमुख तहसीलें यहाँ की, पांच तहसीलों में बटा हुआ है, और ये पांच तहसीलों के आइकॉन भी यहाँ पर आ रहे हैं ये क्षेत्र के अंतर्गत। विकासखंड की बात करें तो इंदौर, महू, सांवेर, देपालपुर, ये इसके प्रमुख विकासखंड है। धार्मिक स्थल की बात करें तो उसमें बड़ा गणपति, खजराना मंदिर, विजयासन मंदिर, ये इसके धार्मिक स्थल है। इसके अलावा अन्नपूर्णा मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, कांच मंदिर, गोमटगिरी, इंद्रेश्वर मंदिर, इंद्रेश्वर मंदिर जी इसके नाम से इनका इसका नाम इंद्रपुर पड़ा, वो भी यहाँ पर स्थापित है। भगवान विष्णु का 24 अवतार मंदिर ये देपालपुर में निर्माणाधीन है। तो इस प्रकार के ये यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थान हो गए, धार्मिक क्षेत्र हो गए। पर्यटन की बात करें तो पर्यटन की दृष्टि से भी इंदौर महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर राजवाड़ा है, लालबाग पैलेस है, राला मंडल है, अभयारण्य यहाँ पर है, फूटीकोड़ी यहाँ पर है, कृष्णपुरा, छत्रिया यहाँ पर है, और यशवंत सागर है, कमला नेहरू पार्क यहाँ पर है, प्राणी संग्रहालय यहाँ पर है, और इसके साथ ही यहाँ पर जो कि पाताल पानी बहुत ही अच्छी जगह है, इंदौर से थोड़ी ही दूर है। और यहाँ पर कुछ समय पहले कुछ लोग जो है कि उसमें बह गए थे, नदी में, उसमें पानी में चले गए थे, और उनकी मृत्यु हो गई थी एक ही परिवार के सभी सदस्य, इसलिए भी ये कहीं ना कहीं एक वर्चस्व में आया था पाताल पानी में। तो ये पाताल पानी भी इंदौर के पास ही स्थित है। तो ये यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। इसके अलावा विशेष की बात करें तो मध्य प्रदेश की व्यावसायिक एवं खेल राजधानी, और साथ ही साथ देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर IIM और IIT दोनों यहाँ पर स्थापित है। इसके साथ ही यहाँ की हम अन्य तथ्य की बात करें तो उसमें मुख्यालय, प्रमुख मुख्यालय हैं, मुख्यालय संस्थान की बात करें तो अभी हमने बात की थी IIT और IIM यहाँ पर है। सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर है। राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र यहाँ पर है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पर स्थापित है। इसके साथ ही साथ डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्था जो महू में है, इंदौर की तहसील है महू, यहाँ पर है।
सैनिक छावनी और तथा मिलिट्री स्कूल ये महू में है। डीएवीवी विश्वविद्यालय यहाँ पर है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यहाँ पर है। मध्य प्रदेश वित्त निगम जिसके बारे में हमने बात की थी तो ये यहाँ पर स्थापित है। तो ये महू के प्रमुख संस्थान हैं जिनके बारे में कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है। तो ये इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे आते हैं। इसके बाद हम यहाँ की बात करें पौराणिकता की, तो उसमें राजवाड़ा यहाँ पर है और कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के होलकर राजवंश के इतिहास की सबसे ऊंची और भव्य इमारत राजवाड़ा इंदौर शहर के मध्य में स्थित है। पूरा क्षेत्र वहाँ पर इस समय तो कहे कि बहुत ही पॉपुलेशन वाला वो क्षेत्र है, और बाजार की या मार्केट की बात करें तो राजवाड़ा नाम से ही अपने आप में प्रसिद्ध है। तो राजवाड़ा की जो नींव है वो मल्हार राव होलकर ने रखी थी, जिसे पूरा सूबेदार तुकोजी राव प्रथम ने करवाया था। वर्तमान इमारत का जो निर्माण है वो 1818 से 1833 के मध्य पूरा हुआ था, और राजवाड़ा के प्रवेश द्वार की रचना हिंदू रीति के राज प्रसादों की तरह है, जिसमें गवाक्ष और कपोत तालिकाएं बनाई गई है। बहुत ही अच्छा है राजवाड़ा। अभी जब भी आप इंदौर जाएं तो एक बार राजवाड़ा जरूर जाएं। औद्योगिक प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी भी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है, रेडीमेड गारमेंट्स यहाँ पर है, और इसके अलावा यहाँ पर छाता उद्योग भी है जो महू में है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क यहाँ पर है। जैविक प्रौद्योगिकी की पार्क यहाँ पर है। खेल संस्थानों की बात करें तो नेहरू स्टेडियम यहाँ पर है, होलकर स्टेडियम यहाँ पर है। होलकर स्टेडियम तो इंटरनेशनल स्टेडियम है, यहाँ पर कई बार मैच होते रहते हैं। अभय खेल प्रशाल यहाँ पर है। मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन यहाँ पर है। मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट क्लब पारसी क्लब इंदौर ये भी स्थित है। इंदौर का खेल राजधानी कहा ही जाता है इसी कारण। और मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन यहाँ पर है, टेबल टेनिस एसोसिएशन यहाँ पर है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण है कई तरीके से इंदौर इसके साथ ही यहाँ पर गांधी हॉल यहाँ पर स्थापित है, जिसका निर्माण 1904 ईस्वी में किंग एम्पर एडवर्ड सप्ताह के राजा ने किया था। हवा बंगला या हवा महल यहाँ पर है, जिसका निर्माण 1884 में महाराजा शिवाजी राव होलकर द्वारा किया गया था, और तकरीबन उस समय 1 लाख रुपए की लागत लगा करके किया गया था। गोपाल मंदिर यहाँ पर है, जिसको जो राजवाड़ा से लगा हुआ है, और कृष्णाबाई इसका कृष्णाबाई की यशवंत राव होलकर की पत्नी थी कृष्णाबाई, उनकी याद में 1832 ईस्वी में कराया गया था। तो इस प्रकार से ये कई तरह के से महत्वपूर्ण हैं। यहाँ का एक और महत्वपूर्ण है वो है खजराना मंदिर, जिसका निर्माण जो है कि देवी अहिल्या द्वारा कराया गया था, और आज भी कई श्रद्धालु या कई भक्त भगवान के यहाँ पर दर्शन करने पहुँचते हैं। तो साथियों ये थी अभी तक इंदौर की महत्वपूर्ण तथ्य और इससे संबंधित प्रश्न जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अगले वीडियो के लिए जो है कि नोटिफिकेशन या बेल को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।